हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी लाइव ब्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरा, और एक नए वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ। तो आई होप सब कोई अच्छे होंगे, है ना। तो अभी आपका 10:30 बजे है और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। मेरा नहाना पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बाहर कैसा लग रहा है वेदर, हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है। मैं एकदम पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, बहुत गर्मी है पता नहीं क्यों। तो देखिए, मैं कॉटन का ये पहन रही हूँ, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आराम फील करती हूँ। 17 तारीख को शुभ मुहूर्त था, तो बहुत ही अच्छा दिन होता है उस दिन। हम सुबह उठ के हम मॉर्निंग का जो फ्रेश एयर है वो एयर लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा हवा बहता है उस दिन। आपके शरीर से नेगेटिविटी बाहर निकाल देती है, बहुत सारे बीमारियों से आप राहत मिलते हो, ऐसे बोलते हैं बड़े लोग। कहाँ तक सच है, बड़े हमारे अच्छे के लिए बोलते होंगे। तो सुबह आप अगर उस दिन, हर दिन ही आप सुबह उठो तो बहुत ही अच्छा है। उस दिन आप सुबह उठ के हम क्या करते हैं, सुबह उठ के टहलते हैं और वो हवा लेते हैं हम, और उस दिन का माहौल ही कुछ अलग रहता है फ्रेंड। पता नहीं, ये दुर्गा माता का ही कोई कमाल होगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम मिष्टी मुख करते हैं। अभी तक फुल्ली नॉर्मल नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे, हम जिस एरिया में रहते हैं बहुत कोरोना बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरती गई है। कोई नहीं, हमारे अच्छे के लिए ही है, तो इसीलिए सब कुछ अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है फ्रेंड। तो अगर पूजा भी अगर किए थे तो कोई हम पूजा अटेंड करने नहीं गए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं करना था और एकदम बस नियम जो रिचुअल्स है वही करना था, तो वही किए थे। तो बट जो भगवान जी का जो प्रसाद है वो तो सबको अच्छा लगता है। मैं तो बहुत मैड हूँ, भगवान जी के थोड़ा सा मुझे प्रसाद मिल जाए मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। खिचड़ी, मिक्स वेज, फिर चटनी, फिर मिठाई, बहुत सारा कुछ, एकदम अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स। सब कोई साल में एक बार हम जान पहचान है होते हैं सारे जो उनके कलीग्स हैं, उनके वाइफ्स के साथ, उनके बच्चों के साथ हम फिर से मिलते हैं साल में एक बार बस। बट इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे यहाँ पे बहुत ही प्यारे भैया भाभी है, जो भाभी मेरी एकदम सहेली है, बहुत ही प्यारी सहेली, हर बात हम दोनों शेयर करते हैं एक दूसरे के, हर सुख दुख में हम साथ रहते हैं। तो उन्हीं के साथ पिक देखती हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो डाल दूँगी, दिखाऊँगी कि हमने घर में छोटा सा पार्टी, मतलब भगवान जी का जो प्रसाद बनता है वही मैं हम दोनों ने मिलके बनाया था। टोटली भाभी ने ही बनाया था, मैंने बस उनको थोड़ा सा हेल्प की थी। उनका हाथ का खिचड़ी बहुत बहुत यम्मी बनता है, तो उन्होंने मेरे घर में आके बनाया था, बहुत यम लगा था, बहुत हमने इंजॉय भी की। यम्मी सा रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप आराम से देख लीजिएगा। जो बिगनर है उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्प होगा, और जो एक्सपर्ट है उनको तो मैं क्या सिखाऊंगी, बस फिर भी मेरे साथ रहिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं, और जो मेरे पुराने फ्रेंड है वो तो है ही, और वीडियो को फुल देखिएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के, बहुत मेहनत होती है फ्रेंड वीडियो बनाने में। और ये जो है ना, ये मेरे मम्मी का हाथ का लगा हुआ ये भुजोलोकिया का पेड़ है, जो वर्ल्ड फेमस सबसे तीखा वाला मिर्च होता है ना वो है। और ये देखिए, हमने थोड़ा सा गेट टुगेदर की थी बहुत दिनों बाद। खिचड़ी, ये है प्यारे से भैया और वो है भाभी। तो चलिए दिखाती हूँ, ये है मेरा फेवरेट आलू का पराठा, जो मैंने आलू बॉईल करके रख दिया था। तो देखिए, और इसके लिए एकदम देख रहे हैं आप, बहुत ही छोटे छोटे करके मैंने अनियन को स्लाइसेस की है, और ये है ग्रीन चिली। अब मैं आलू को थोड़ा सा मैश कर लूँगी, मैशर से नहीं, मैं हाथ से ही कर रही हूँ। आप लोगों के पास अगर मैशर होगा तो मैशर से कर लीजिएगा। तो टेस्ट वाइज यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर अच्छा लगता है कलर के लिए, अगर आप नहीं खाते हो तो मत दीजिएगा, ये फुल्ली ऑप्शनल है। और ये टेस्ट वाइज नमक, और बहुत सारे लोग बहुत बहुत मसाले भी ऐड करते हैं, बट मैं ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल बनाना चाहती हूँ, और ये भी बहुत यम बनता है। बस इसमें और एक चीज़ आप स्वाद को बढ़ाने के लिए दे सकते हो, ढेर सारे धनिया के पत्ते।
वो देने से बहुत यम लगता है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं दिया। और जो ये आलू के देखिए ये जो छोटे छोटे रह जाते हैं ना, इसको अच्छे से हाथ से मसलना पड़ेगा आपको, तभी जो स्टफ़ होता है बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए बन के रेडी हो गया है मेरा आलू का स्टफिंग। और देखिए इधर मैं आटा को गूंद लूँगी, मैं आटे से ही बना रही हूँ। टेस्ट वाइज थोड़ा सा नमक डाल दिया, और आलू का जो स्टफ़ है उसमें तो नमक है ही, तो आटे को मैं गूंद लूँगी। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं। ज़्यादा सॉफ्ट गूंदने से क्या होगा फ्रेंड, वो आलू का जो मिक्सचर है वो भी तो सॉफ्ट है, तो दिक्कत होती है। तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो देखिए अच्छे से मसल मसल के मैंने सारे जो आटे हैं उनको लगा लिया है। और देखिए ऐसे होना पड़ेगा, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो देखिए बन गया है। तो मैं आप लोगों को दो टाइप का दिखाऊंगी स्टफ़ करना, और एक मैं आपको ऐसे बता दूंगी, समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब मैं पेड़ा काट लूंगी, आपको अपने हिसाब से जितने बड़े बनाना है। तो मैं छोटे छोटे पेड़े काट लूंगी। तो ऐसे करके आटे को डस्ट कर लीजिए दोनों हाथों में, और ऐसे जो पेड़ा है उसको घुमाते जाइए, उंगली से दबा के घुमाते जाइए। पहले पहले मुझे भी नहीं आता था फ्रेंड, ये मैंने अपने मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी तो बहुत ही फास्ट बनाती है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मैं उतनी भी फास्ट नहीं बनी हूँ अभी तक। तो देखिए कटोरा जैसा बन गया है ना। अब इस कटोरे में आप स्पून से स्टफिंग देते जाइए, और ज़्यादा भी स्टफिंग नहीं डालना है फ्रेंड, वरना ये फट जाएगा और चारों तरफ से निकल जाएगा। और ऐसे हाथ में थोड़ा सा आटा ले लीजिए और ऐसे दबाते जाइए अंदर की तरफ, और चारों तरफ आप कवर करते जाइए। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, उंगली से ऐसे दबाते जा रही हूँ स्टफिंग को, और चारों तरफ से हाथ को ऐसे घुमाते जा रही हूँ। और घुमाते हुए जो आपका जो एज रह जाएगा आटे का, देखिए ये इस एज को आप अच्छे से घुमा के अंदर की तरफ, आपको देखिए घुमा के अंदर की तरफ दे देना है। और यहाँ पे आपका ड्यूटी ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड, यहाँ पे आपको आटे में डस्ट कर लेना है इस पेड़े को। अब इसको चारों तरफ से ऐसे उंगली से दबाते जाइए। ये ट्रिक क्यों है पता है फ्रेंड, इससे आपका जो अंदर का स्टफिंग है चारों तरफ आपका फैल जाएगा, जब आप बेलोगे तब आपका फट के बाहर नहीं निकलेगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने एक बना लिया है, थोड़ा सा फट के निकलता भी है तो अच्छा ही लगता है, यम्मी लगता है। तो देखिए कोई इशू नहीं है, ये निकलेगा नहीं। और ये है सेकंड नंबर, ऐसे रोटी की तरह बना लीजिएगा और ऊपर ऐसे स्टफ़ दे दीजिएगा। और थर्ड नंबर मैं बता दे रही हूँ, दो रोटी बना के बीच में स्टफ़ दे के भी आप साइड से दबा के भी आप बना सकते हो। और ये वो तो एकदम इजी है, दो रोटी बनाना पड़ेगा वो थोड़ा लेंदी होता है तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये एकदम पहले जब मुझे नहीं आता था ऐसे कटोरा बना के बनाना, तब मैं ऐसे ही बनाती थी। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है फ्रेंड, ऐसे गोल आकार का एक रोटी बना लीजिएगा। और मोमो जो बनता है हमारा, जो हम पोटली टाइप का बनाते हैं, बस उसी टाइप का आप बना के अंदर की तरफ डाल दीजिए। और देखिए इसको भी सेम वैसे ही करना पड़ेगा, जो स्टफ़ है ना चारों तरफ ताकि फैल जाए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से बनेगा, क्योंकि ये मुझे पहले से मैं यही बनाती हूँ तो इसका मुझे आदत है। तो इससे ना थोड़ा सा भी फटेगा भी नहीं इधर उधर से, और बहुत ही अच्छे से आपका होगा। आपको दिखाती हूँ मैं। तो आटे को थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए, और मुझे जो चौकी होता है ना बेलन वाला, उसके साथ आता है, उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मैं फ्लोर में बनाती हूँ। देखिए कहीं से भी नहीं निकला है ना, क्योंकि ये मैं बनाते हुए थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गई हूँ, तो कहीं से भी नहीं निकलेगा। तो पैन गर्म हो चुका है मेरा, तो पहला नंबर डाल दिया है। तो आप घी दो, बटर दो, रिफाइंड ऑयल दो, जो दो आप ऐसे एक साइड थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा, हल्का सा कच्चापन चला जाए। तो दोनों साइड से घी लगा के ऐसे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो ज़्यादा क्रिस्पी कर लीजिएगा, और थोड़ा सा हल्का हल्का पकाना है तो हल्का पका लीजिएगा, वो आपके टेस्ट वाइज है। तो देखिए मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा रेड चाहिए, तो मैं उनको थोड़ा सा रेड करके फ्राई करके दे रही हूँ। एकदम बहुत ही यम्मी बना था, देखिए मैंने प्लेटिंग भी कर लिया। वो रेड चटनी जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था वो बनाई थी, तो
आज आपको खाने का जगह कुछ अलग नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड मैच चल रहा है, और मैच चलने से आप लोगों को पता ही है जो मैच का कीड़ा रहता है वो तो मैच के सामने ही बैठे रहता है टीवी के सामने, और वहीं पे खाना देना पड़ता है उनको। तो देखिए मुझसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि आलू का पराठा मेरा भी बहुत ही फेवरेट है। आज दही नहीं था, और रात को दही नहीं खा रहे थे हम लोग जुकाम के वजह से, तो बहुत यम बना था। ट्राई कीजिएगा इस टाइप का भी, और बहुत टाइप का मुझे आलू का पराठा आते हैं, धीरे धीरे शेयर करती जाऊँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड।